गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान रुचि ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त अंजू, और आज के वीडियो में आज आपको अपने घर का फंक्शन दिखाएंगे। दोस्तों, आज हमारी मौसी के बेटे की एंगेजमेंट है, रिंग सेरेमनी है, तो हम आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। दोस्तों, तो सारे मेहमान आ चुके हैं यहाँ। जो भी प्रोग्राम हो रहा है ये लखनऊ शहर में हो रहा है, और हम सभी लोग हैं ग्रीन स्क्वायर होटल में, जो कि लखनऊ में है, और यहीं पर हम सभी लोग गोद भराई करने आए हैं। तो देख सकते हैं, ये हमारी भाभी आ चुकी हैं, नई नवेली भाभी हैं ये हमारी, जो कि आ चुकी हैं स्टेज पे। और अब हम लोग एक एक करके सभी लोग गोद भराई करेंगे। इनकी अभी गोद भराई होगी सबसे पहले, और उसके बाद रिंग सेरेमनी होगी। सब लोग आ चुके हैं और भांगड़ा हो रहा है, सभी लोग डांस भी कर रहे हैं। दोस्तों, तो ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। हमारी मामी आ चुकी हैं हमारे यहाँ। सबसे पहले गोद भराई की रस्म मामी ही करती हैं, तो सबसे पहले टीका मामी लगाएंगी और गोद भरेंगी। उसके बाद एक एक करके सभी लोग आएंगी और अपना कार्यक्रम करेंगी। और ये हमारी मौसी हैं, जो कि मिठाई खिला रही हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी बड़ी मौसी हैं, वो मिठाई खिला रही हैं। और अब इनको सामान पहनाया जाएगा। तो ये जो सामान पहनाने का कार्यक्रम होता है, ये हमारे यहाँ नंदे ही करती हैं। तो ये हमारी भाभी हैं, इसलिए सारा काम हम नंदों को ही करना है। हम जितनी बहनें हैं सब मिलकर इनको सजाएंगे, इनको जो भी सामान होगा वो पहनाएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ सोने चांदी का सामान जाता है लड़की के लिए, तो हम लोग झुमकी और पायल लेकर के आए हैं, कपड़े लेकर के आए हैं, मिठाई फल ये सारी चीज़ें जाती हैं ससुराल पक्ष से। तो ये सारा सामान लेकर के हम लोग आए हैं। अभी इनको झुमकी और पायल पहनाई जाएगी। तो सबसे पहले ये सामान पहनाया जाएगा, और उसके बाद ही आगे का कार्यक्रम शुरू होगा। तो ये हमारी मौसी की बेटी हैं, जो कि पायल पहना रही हैं, और हमारे हाथ में आप लोग देख सकते हैं कि झुमकी का डिब्बा है, जो कि हम इनको झुमकी पहनाएंगे। गोद भराई के समय जो भी सामान लड़की पहने होती है, जो लहंगा भी पहनी हुई है, ये भी ससुराल पक्ष से ही गया हुआ है। और ये सब पहनकर, ये लहंगा वगैरह पहनकर पहले से रेडी हो चुकी थी जब हम लोग पहुँचे हैं। तो सिर्फ हम लोगों को जेवर ही पहनानी है। तो इसके बाद ही, अब जेवर पहनाने के बाद हम लोग कार्यक्रम शुरू करेंगे। दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। हम आपको सारी रस्में दिखाएंगे कि हमारे यहाँ कैसे गोद भराई होती है। तो वीडियो देखिए आप लोग और इन्जॉय करिए। लगा देंगे।
दीदी बड़ा लंबा कार्यक्रम है, काफी परेशान कर रहा हूँ। एक एक करके सभी लोग गोद भराई करेंगे। तो ये हमारी देख सकते हैं छोटी वाली बहन है, और इसके बाद और भी ये छोटी वाली बहन आई है। तो एक एक करके जितनी भी महिलाएं होंगी वो सारी टीका करेंगी, पैसे और फल मेवा जो भी होगा तो वो सारा लड़की के आंचल में डालेंगी और टीका करेंगी, मिठाई खिलाएंगी। इस तरह से ये जो रस्म होती है की जाती है। तो देख सकते हैं आप लोग, तो एक एक करके सारी महिलाएं आ रही हैं और अपना कार्यक्रम करती जा रही हैं। अभी इनकी शादी एक दो महीने के बाद होगी, अभी शादी का डेट कुछ समझ में नहीं आया है सही से। तो जब भी शादी होगी उसका वीडियो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, आप सभी लोग वो वीडियो भी देखिएगा। तो एक एक करके सब लोग आएंगे और गोद भराई की ये जो रस्म है ये पूरी करेंगे, और उसके बाद ही अब रिंग सेरेमनी होगी, वो भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं, वो भी आप लोग देख लीजिए। गोद भराई की रस्म पूरी हो चुकी है और अब हम आपके साथ शेयर करेंगे रिंग सेरेमनी। तो आप सभी लोग रिंग सेरेमनी भी देख लीजिए दोस्तों। ये सारे मेहमान हैं जो कि आए हुए हैं और बैठे हुए हैं, कुछ लोग डांस वगैरह भी कर रहे हैं। तो ये रिंग सेरेमनी के लिए लड़का और लड़की दोनों आ रहे हैं साथ में। तो आप लोग देख सकते हैं ये जोड़ी कितनी कमाल की लग रही है, बहुत सुंदर लग रहे हैं दोनों लोग। और इनकी एंट्री हो रही है और काफ़ी बैंड बाजे भी बज रहे हैं, म्यूज़िक बज रहा है, लेकिन मैंने म्यूज़िक को यहाँ पर स्किप कर दिया है, रिमूव कर दिया है कॉपीराइट के डर से। तो इसीलिए आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको म्यूज़िक नहीं सुनाई दे रहा होगा। तो ये दोनों लोग आ चुके हैं और अब ये लोग एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे। तो ये लड़का है जो कि स्टेज पे जा रहा है रिश्ते में, ये हमारे भाई हैं, हमारे मौसी के बेटे हैं और ये हमारी भाभी हैं। तो ये दोनों लोग स्टेज पर आ चुके हैं और अब ये एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे। एक अंगूठी इधर से है और एक अंगूठी लड़की की तरफ से है, दोनों तरफ से एक एक अंगूठी है और ये दोनों लोग एक दूसरे को अंगूठी
पहनाएंगे। आजकल का तो रिवाज हो गया है कि कोई भी कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले वीडियो शूट, फोटो शूट, ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, तो इसको शुरू होने में ही घंटों लग जाता है। तो अभी ये वीडियो बन रही है, फोटोग्राफर अपना वीडियो और फोटो शूट कर रहे हैं, और उसके बाद जब इनकी सारी पोज हो जाएंगी उसके बाद ये अंगूठी पहनाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि भाभी अंगूठी पहनाने जा रही हैं, तो देखिए इन्होंने अंगूठी पहना दी है और काफ़ी अच्छा और खुशी का माहौल है, सब लोग बहुत खुश हैं और इन्होंने अंगूठी पहना दी है। और अभी भाई ने अंगूठी नहीं पहनाई है, अब इनका नंबर है, अब ये भी अंगूठी पहनाएंगे। तो देख सकते हैं दोनों लोग कितने खुश हैं और हंस रहे हैं दोनों लोग। भाभी ने अंगूठी पहना दी है तो हमारे भैया जी तो बहुत ही खुश हैं, और अब इनका नंबर आया है तो ये भाभी को अंगूठी पहना रहे हैं, तो हमारी भाभी आप देख सकते हैं कितनी खुश हैं और हंस रही हैं वो। और इनकी वीडियो शूट हो रही है, फ़ोटो भी फोटोग्राफर लोग खींच रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत स्लो स्लो काम करवाते हैं, तो काफ़ी देर ये रोके रहते हैं और उसके बाद ही अंगूठी पहनाने का जब ये ऑर्डर देते हैं तब अंगूठी पहनाई जाती है, क्योंकि आजकल सब कुछ फोटोग्राफर के कहने पर ही होता है। जब भी कहीं कार्यक्रम होता है तो ऐसे ही होता है। आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे मेहमान हैं जो कि खड़े हुए हैं और सब लोग रिंग सेरेमनी देख रहे हैं, तो ये रिंग सेरेमनी भी हो गई है। इन दोनों लोगों ने एक दूसरे को अंगूठी पहना दी है, और ये ऊपर का वीडियो है दोस्तों। यहाँ पर खाना होगा तो हम पहले ही आकर के वीडियो शूट कर लिए हैं, क्योंकि जब खाना होगा तो शायद हमें टाइम ना मिल पाए, इसलिए हम पहले ही यहाँ का वीडियो शूट कर लिए हैं। और ये सारे मेहमान हैं जो कि अब जाएंगे ऊपर और खाना वाना खाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।